कब से आप लोगों ने परेशानी इसके लिए? परेशानी बहुत है, पूरे 5 साल बन जा रहे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। गांव में फैली गंदगी से परेशान होकर ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ की नारेबाजी। जनपद इटावा के बसरिया विकास खंड के ग्राम पंचायत बीना में ईंटों का बना खरंजा, जो खरंजा के ऊपर से गंदगी की वजह से मोहल्ले लोग और बच्चे निकलने में भारी परेशानी से नाराज होकर प्रधान के खिलाफ की नारेबाजी। जबकि गांव में 10,000 आबादी में तीनों खरंजा पर गंदगी फैली हुई है, इसकी शिकायत प्रधान से की गई और राजीव कुमार पुत्र मांगीलाल रामचरण पुत्र रूपलाल निवासी बीना ग्रामीणों का कहना है, पूरे गांव में एक ही सफाई कर्मी है, वह भी कभी कभार आता है, चक्कर लगाकर चला जाता, जिसकी शिकायत प्रधान द्वारा की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जो हमारे मोहल्ले में गंदगी से फैल रही बीमारियों को रोका जा सके। और कई बार प्रधान द्वारा ईंटों का बना खरंजा, इसकी RCC की मांग की, लेकिन वोटों की रंजिश मानते हुए कोई कार्य न करा सका। जो प्रधान पति राजेंद्र प्रताप का कहना है, मेरे यहाँ एक सफाई कर्मी है, इसलिए सफाई नहीं हो पाती, और जो ईंटों का खरंजा बना हुआ है उसके लिए बहुत जल्दी RCC बनवा देंगे। प्रधान मुर्दाबाद क्या नाम है आपको? संजीव कुमार। संजीव कुमार, पिता का नाम? श्री मंगूलाल। मंगूलाल, कौन सा गांव है ये? बीना। ग्राम पंचायत बीना। बीना, ये सफाई आपने देख रहे, इतनी गंदगी फैली नालियों में और खरंजी पर, आप लोग क्या परेशानी नहीं है इसमें निकलने? अरे साहब, बहुत परेशानी है, बहुत बीमारी होती है यहाँ पर, बहुत पब्लिक परेशान है, क्या किया जाए, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, कब से सफाई कर्मी कब से नहीं आता यहाँ? यहाँ सफाई कर्मी बेचारा कहा करे, बड़ो गाँव है, आता भी है, लेकिन यहाँ गंदगी का है कि हमारे नाली ये गली खराब है, इसलिए भरी ही रहती है साहब। अच्छा अच्छा, तो बच्चे स्कूल स्कूल जाने के लिए आप लोग बहुत साफ दिक्कत है, इधर उधर कूद के जाते हैं बच्चे, घुस के जाते हैं, बहुत दिक्कत है साहब। क्या नाम है आपका? रामचरण। पिता का नाम? श्री रूपलाल। गांव? बीना। ये इसी मोहल्ले में रहते हैं आप? हाँ साहब। ये गंदगी देखी आपने? काफी दिन से साफ ऐसी रहती है। अच्छा अच्छा, इसकी सफाई वफाई कब से नहीं हुई? 2 महीने हो जाते साहब, सफाई नहीं होती है। बच्चे अच्छे स्कूल जाने के लिए और आप लोग कैसे निकलते हैं? साहब पानी में निकलते हैं, कुछ किनारे से निकलते हैं हम लोग अपने दरवाजे पे ही खड़े। और क्या क्या समस्या है गांव में? साहब ये खरंजा पूरा टोटली टूटा पड़ा है, और कब से नहीं बना ये साहब? पिछले प्रधानी में बना था, तब से बना ही नहीं। तो RCC का गांव किसी में हुई नहीं क्या? इधर तो साहब कोई नहीं भाई, एक तो जे हुई है और एक PW वाली है। PW वाली तो है, वैसे अंदर गांव के लिए नहीं, गांव में कोई RCC।